नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपकी सेहत को अच्छा रखे, हम ऐसी कामना करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करें हम ऐसा आशा करते हैं। और आज के आपके सामने एक हाथ को हम रीड करने वाले हैं, जैसे हम सभी का करते हैं। और अगर अपना हाथ आप पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उससे मैसेज के द्वारा हमें अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और उसका हल करवा सकते हैं। कब कुछ क्या घटेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, इस हाथ की प्रेडिक्शन करेंगे। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी दे दूँ। इनकी उम्र जो है 22-23 साल के अप्रॉक्स यहाँ पर है। और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैरिज कब तक होगी और मैरिज कैसी रहेगी, या फिर कह सकते लाइफ में पैसे की स्थिति कब होगी, किस क्षेत्र में इसको इनको प्रयास करना चाहिए और सफलता कब तक मिलेगी। तो जेन्युइन से क्वेश्चन है, इस वीडियो इस हाथ में हम ढूंढने के प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा कलर लेकर। पहले तो आप देखें कि हाथ जो है रेक्टेंगल है, स्क्वायरिश शेप यहाँ पर है, स्क्वायरिश शेप यहाँ पर बन रही है। तो मेहनत अच्छी है, हाथ में हार्डनेस नहीं है, इतनी थिक हाथ हैं, तो यहाँ पर अच्छी लाइफ रहने वाली है, अच्छा कैरियर यहाँ पर रहने वाला है। और फिंगर्स की लेंथ भी ज़्यादा छोटी नहीं है, एवरेज फिंगर्स मैं यहाँ पर कहूँगा कि जिसके हिसाब से यहाँ पर दिखता है कि जातक में फैसले लेने की क्षमता जो है अच्छी खासी है, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि फिंगर एवरेज हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो थोड़े से अगर फैसले लें तो जल्दबाजी आप ना करें, उसमें थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिंगर्स पे आपको खड़ी लाइनें ज़्यादा नज़र आएंगी, जो बताता है कि ऐसे जातक अगर बिजनेस करे, वो भी पार्टनरशिप वाला बिजनेस करे, किसी के सहयोग से करे, तो वो अच्छा होगा। और ऐसे जातक के फ्रेंड काफ़ी होते हैं, ऐसे जातक के जानने पहचानने वाले काफ़ी होते हैं और इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, तो मिलनसार व्यक्ति ऐसा होता है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स इक्वल ही फिंगर हैं, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर आपको इक्वल ही होती हुई नज़र आएंगी, जो बताता है कि मिक्स क्वालिटी है, थोड़ा भाग्योदय जो है अप्रॉक्स 28-30 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पर भाग्योदय होगा। और यहाँ पर जो शनि की फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबी है, तो यहाँ पर धन के जो मामले में ऐसे जातक लकी होता है, धन जातक के बाद अच्छा यहाँ पर आता है और 30 के बाद जो है किस्मत साथ देती है। और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखो मिल रही है, क्योंकि जो है बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस को क्रॉस कर रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहने वाली है, किसी अपनी बात को अच्छी तरह व्यक्त कर पाएगा जातक। और कह सकते हैं कि ऐसे जातक की यादाशक्ति भी काफ़ी अच्छी होती है, ऑफिस वर्क भी जातक ऐसा अच्छा कर पाता है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हल्की सी गुरु की फिंगर थोड़ी सी बड़ी होती हुई नज़र आएगी आपको, तो अगर टीचिंग वगैरह में शौक है इनका तो उस फील्ड में प्रयास कर सकते हैं। किसी सिखाने वाला जो जॉब है, जहाँ पर टीच करने की बात हो, टीचर बनने की बात हो, उन जैसे प्रोफेशन में अगर जाना चाहें तो आप उसमें प्रयास करते उस कर सकते हैं, उसमें सफलता आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं। चलिए आगे हम देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या हैं, पहले मैं थोड़ा जूम करूँगा। पहले तो आप यहाँ पर गुरु माउंट को देखें, इनके गुरु माउंट को थोड़ी सी स्पेस जो है बाकी माउंट से यहाँ पर कम मिल रही है, हम एवरेज माउंट इसको कहेंगे, दबा हुआ माउंट नहीं है। और इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है स्क्वायर का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि टीचर ऐसे जातक बन सकता है, टीचिंग फील्ड में ऐसे जातक जा सकता है, उसमें सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलेगी। और जातक में लाइफ में प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी रहती है, और ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर स्क्वायर है। प्रॉपर स्क्वायर का मतलब ये भी होता है कि जातक के पास धन काफ़ी अच्छा आएगा, धन जमा भी जातक काफ़ी अच्छा करेगा। और ये जो लाइनें आड़ी आपको दिख रही हैं, ये बताता है कि जातक धार्मिक नेचर का भी है
धर्म से जुड़ाव काफ़ी अच्छा है और जाते कहते दया भावना काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइन यहाँ पर ये बताता है कि टीचिंग फील्ड में आप जरूर प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। मैं टीचिंग फील्ड इसलिए कह रहा हूँ कि जो फील्ड सिखाने वाले होते हैं, टीचिंग भी हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर टीच करने की बात हो, जहाँ पर लीडर बनने की बात हो, उस प्रोफेशन में जातक काफ़ी अच्छा करेगा, तो ये यहाँ पर अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी स्पेस इसको कम मिल रही है तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर पैदा होने के चांस यहाँ पर लग रहे हैं। उसी हिसाब से अगर माउंट्स देखें शनि माउंट को, तो शनि माउंट को भी थोड़ी स्पेस यहाँ पर कम मिल रही है। तो ऐसा होता है कि जातक बहुत ज़्यादा प्रयास अधिक करता है और लेकिन वो फल जो है जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर आप शनि की जो है, हालांकि शनि की इतनी ज़्यादा आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी जो किस्मत का साथ है ऐसे जातक को थोड़ा कम मिलता है। पैसे के मामले में हाथ बिल्कुल सही है लेकिन जो किस्मत का साथ है थोड़ा सा जो है कम मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर 30 तक की रहेगी, 30 के बाद जो वाला कैरियर है काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत ठीक है, दबाव इसके ऊपर नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी, फिश की स्ट्रक्चर, और हल्की सी कह सकते हैं कि आड़ी लाइनें नहीं है, खड़ी लाइनें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी और एक से ज़्यादा लाइनें हैं, तो ये बताता है कि जातक थोड़ा सा कन्फ्यूज है अपने प्रोफेशन को चुनने में, अपने कैरियर को चुनने में, और ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा क्योंकि ये जो लाइनें हैं असर दिखाती हैं हमेशा, और ये बताता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज जातक रहेगा लाइफ में। और फिश का सिंबल भी बन रहा है तो ये फिश का सिंबल जो है 45 के बाद अपना असर दिखाना चालू करेगा, अगर अच्छे परिणाम जो हैं मिलेंगे और अपना मान सम्मान सोसाइटी में या फिर कह सकते हैं कि अपने दोस्तों के बीच या फिर अपने संबंधियों के बीच लोगों के बीच ऐसा अपना नाम कमा पाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है एक अच्छी नॉलेज की लाइन आपको दिखेगी यहाँ पर, जो बताता है कि जातक के अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छी है, और ये भी बताता है कि उस प्रोफेशन को आप चुने जहाँ पर टीचिंग की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पर बुध पर्वत की बात करें तो बुध का पर्वत काफ़ी अच्छा है यहाँ पर नज़र आया मुझे, क्योंकि सभी माउंट से अच्छा है, इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है और ये लो सेट ज़्यादा नहीं है तो खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी। तो ये बात है कि पैसों की स्थिति के लेकर ये दोनों कंडीशनें हैं, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर अगर किसी फील्ड में आप काम करें, अगर बिजनेस भी आप करना चाहें उसमें भी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उसके आपके हाथ उंगली फिंगर्स पर खड़ी लाइनें बताती हैं कि इस रुझान हो सकता है आपका और उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। या फिर अगर आप अपना खुद का प्रोफेशन करें, नौकरी वगैरह भी करें तो उसमें भी सक्सेस आपको मिलेगी, तो ये अच्छी बात हाथ में नज़र आ रही है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके शुक्र माउंट को। शुक्र माउंट के ऊपर आड़ी लाइनें आपको ज़्यादा दिखेंगी, खड़ी लाइनें कम हैं तो आड़ी लाइनें ज़्यादा हैं, तो हमेशा चिंताएं रहेंगी और सब कुछ मिलने के बाद भी वो मन में संतुष्टि ना होना ऐसी नेचर यहाँ पर बन जाती है। और लेकिन हम कह सकते हैं कि शुक्र माउंट जो है फुलावट इसकी वो काफ़ी अच्छी है, इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो 30 के बाद जो है किसी की कमी नहीं रहेगी, सभी सुख सुविधाएं ऐसे जातक के पास आ जाएंगी और हासिल भी हो जाएंगी। चंद्रमा भी ठीक है यहाँ पर, अच्छी जो है कह सकते हैं कि मन जो है शांत रहने वाला है, कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर चंद्रमा से नज़र नहीं आ रही, कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पर अच्छी बात नज़र आ रही है। चलिए अब आगे हम एक्चुअल में लाइनों से देखते हैं, लाइनें इनके ऊपर क्या शो कर रही हैं। पहले तो इनकी लाइफलाइन को आप देखें तो लाइफलाइन जो है ऐसे चलती हुई आपको देखिए, थोड़ा सा इसमें स्पेस जो है बन रहा है और हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अपने घर से बाहर थोड़ा सा जाकर भाग्योदय होगा या फिर ऐसा काम ये कर सकते हैं जिससे घर से बाहर रहने का ज़्यादा योग बन रहे हैं। और ये भी थोड़े से प्रोग्रेसिव लाइन आपको दिखाऊंगा, कुछ प्रोग्रेसिव लाइन काफ़ी अच्छी बन रही हैं। वैसे तो इनकी ये जो है 22-23 साल का अप्रॉक्स है और एक प्रोग्रेस लाइन बहुत बड़ी आपको दिखेगी, ये लाइफ टाइम इनको तरक्की देगी, लाइफ टाइम ये तरक्की देती है ऐसी लाइन और एक अच्छा मुकाम पर पहुंचाती है। उसके बाद कुछ और प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेंगी, ये देखिए यहाँ पर और ये जो प्रोग्रेसिव लाइन बन रही है, कम से कम ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव लाइन 25 से 28 के बीच में बनती हुई आपको दिखेंगी, या फिर हम कह सकते हैं 30 के अराउंड
28 में, मैक्सिमम 28 और 30 के अराउंड ये बनती हुई दिखी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ऐसे ज़्यादा का भाग्य उदय जो हो 28 या 30 में हो जाएगा और अच्छे परिणाम जो है इनको मिलने वाले हैं ऐसे टाइम में। लेकिन उसके बाद एक आपको यप का सिंबल दिखेगा, देखिए एक बड़ा यप का सिंबल आपको दिखेगा। ये जो अप्रॉक्स मान के चलें कि ये जो यप का सिंबल बन रहा है ये 30 से 35 के अराउंड ये बन रहा है। उसमें कोई बीमारी वगैरह जो है इनको ढक सकती है या फिर कोई ऐसी बीमारी जो हो सकती है, लग सकती है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक परेशान इनको करे और ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक चले। या फिर ऐसे भी हम परिणाम लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपका सिंबल अगर लाइफ लाइन में बन रहा है तो उस एज में चोट वगैरह लगने के, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे यहाँ पर लाइफ का फ्लो जो है अच्छा चल रहा है, आगे यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पर लाइफ लाइन की बात करूँ तो लाइफ लाइन जो है यहाँ पर कैरियर की बात करूँ तो कैरियर काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी। और यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस एज में कम से कम 28 से 30 के आसपास भाग्य उदय का हो रहा था, मैक्सिमम 28 मान के चले, 25 से 28 के बीच जो ये पीरियड है इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैं कंफर्म मानता हूँ कि 25 से 28 के बीच वाला पीरियड लाइफ में इनको लाइफ चेंजिंग यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि इनकी लाइफ लाइन कैरियर लाइन ऐसे चली और 28 यहाँ पर कम से कम 25 से 28 के बीच में एक लाइन जो है इनके भाग्य रेखा से जुड़ रही है और आगे जाकर डबल हो रही है। आपको यहाँ पर दिखेगा जो हम ये अनुमान लगा सकते हैं 100% जो है 25 के बाद वाला पीरियड है लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये कंडीशन ही बनती हैं कि लाइफ में क्या पता कोई ऐसा जातक इनके साथ जुड़े या फिर उनकी पत्नी हो या फिर कोई ऐसा साथी इनके साथ जुड़े जो इनका भाग्य उदय करा दे। और ये यहाँ पर कंडीशनें काफ़ी हद तक बन जाती हैं कि लाइफ में मैरिज के बाद भाग्य उदय हो जाए, मैरिज के बाद काफ़ी अच्छी कंडीशनें बन जाएं। और ये इसका इंडिकेशन भी है, क्या पता लव मैरिज भी हो, अपनी मर्जी से ये शादी करवाएं तो ऐसी कंडीशन हाथ में बन रही है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो इस एज के बाद, इस पीरियड के बाद जो लाइफ है इनकी जो 25 के बाद काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद डबल भाग्य रेखाएँ आपको दिखेंगी और ये कंटिन्यू यहाँ पर शनि पर्वत पहुँचने का प्रयास कर रही हैं। तो 25 वाला के बाद पीरियड काफ़ी अच्छा है ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। देखिए इनकी भाग्य रेखा है और ये इनकी हेल्थ लाइन है, ये माइल है, प्रॉपर एक मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस हाथ में पैसे की कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है तो यहाँ पर हाथ में दिख रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं माइल लाइन को, माइल लाइन कैसी है। माइल लाइन जो है बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूँगा, जो यहाँ पर हर्डल इस एज में आपको दिखा था, देखिए जो हर्डल आपको इस एज में दिखा था, कम से कम जो ये एज बन रही थी 30 के 35 के अराउंड ये एज बन रही थी, वही यहाँ पर जब का सिंबल इसी अराउंड 30 और 35 के अराउंड, मैक्सिमम आप मान के चलें कि 30 के अराउंड ये परेशानी आपको दिखती हुई नजर आएगी। एक बड़ा जब का सिंबल माइंड लाइन पर भी बन रहा है, तो मतलब इस एज में प्रॉब्लम आना तय है। और जब प्रॉब्लम आती है दिमाग काम नहीं करता है, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली जो दिक्कतें होती हैं, जो मानसिक दिक्कतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इस एज में ज़रूर बढ़ेंगी, ये कंफर्म यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस एज से ये भी मालूम चला कि इस एज में कोई ऐसी बीमारी इनके साथ जुड़ जाएगी जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, या फिर ये 30 से 35 वाला पीरियड है ये बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने वाला है। इस एज में काफ़ी चीज़ें हैं आपके साथ जो है गलत होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन आगे वाली माइंड लाइन ठीक है, आगे वाली दिक्कतें जो हैं आपकी ये मैक्सिमम 35 तक की दिख रही हैं, 35-40 तक की दिख रही हैं, उसके बाद कोई ऐसी जो है इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूँ तो हार्ट लाइन में भी आपको जैसे मैंने बताया था कि हाँ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट रह सकती है, जातक को थोड़ा गुस्सा वगैरह जल्दी आने के चांस यहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हार्ट लाइन दिखेगी। हॉटलाइन हालांकि ये बाईफोर खो रही है, त्रिशूल की स्ट्रक्चर बना रही है, तो अच्छे ओहदे पर अच्छी पोस्ट पर जातक पहुंचेगा जरूर, लेकिन कुछ लाइनें जो आपको दिखेंगी नीचे की तरफ, आपको ऐसे छोटी छोटी लाइनें आपको दिखेंगी जो बताता है कि रिलेशन हमेशा ख़राब होने के चांस हैं, और या फिर वो मैरिज की दिक्कत हो गए, मैरिज के बाद वाला रिलेशन हो गया, या फिर आसपास वाले जितने भी इनके साथ संबंधी जुड़े हुए हैं या फिर दोस्त वगैरह हैं, जल्दी लड़ाई झगड़ा
हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी से प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं वो नहीं मिल पाता है, किसी का साथ जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं वो नहीं मिल पाता है, या फिर यह भी कंडीशन बनती है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लोग जुड़ते तो हैं लेकिन लंबे टाइम तक वो दोस्ती या फिर वो रिलेशन नहीं रह पाता, जल्दी टूट जाता है। तो ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करती है, खासतर पेट की संबंधित परेशानियाँ ऐसे जातक को होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम दिख रही है मिड एज में दिख रही है, जब यहाँ पर इनकी ये माइलन में दिक्कत आई, यहाँ पर लाइफलाइन में दिक्कत आई, उसी एज में ये भी कंडीशनें बनती हुई दिख रही है। लेकिन जब यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद कोई रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन यह आपको मानना पड़ेगा कि वैवाहिक जीवन में हमेशा दिक्कतें आपको आएंगी, थोड़ा सा कड़वाहट, लड़ाई झगड़े वगैरह होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। चलिए इनकी विवाह रेखा को देखते हैं, विवाह रेखा यहाँ पर क्या शो कर रही है। देखिए विवाह रेखा में भी आपको ये नज़र आएगा, देखिए पहले तो आप देखें कि हाथ में मैरिज के 50% जो चांस हैं, 50% चांस कहूँगा मैं, 100% मैं पॉसिबिलिटीज नहीं कहूँगा, लेकिन 50% चांस लव मैरिज के दिख रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक कुछ लाइनें आपको दिखेंगी स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ये तय है कि जहाँ तक रिलेशनशिप में रहेगा, रिलेशनशिप में चलेगा और वो रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन मैरिज जो है वो कम से कम थोड़ा सा लेट यहाँ पर दिख रही है। 30 के अराउंड यहाँ पर जो मैरिज है वो होने के चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, 30 से 28 से 30 के अराउंड जो है मैरिज होने के चांस नज़र आ रहे हैं। और वो जो मैरिज वाली लाइन है वो बाई फोर खो रही है, तो बाई फोर का होना मतलब कि पति पत्नी की जो सोच है वो आपस में नहीं मिलेगी, वो कुछ और फैसले करेगा, कुछ और फैसले करे, तो हमेशा जो मत है, जो सोच है वो नहीं मिल पाती है। हालांकि रिलेशन चलेगा, ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, लेकिन मतभेद हमेशा रहते हैं, किसी छोटी छोटी बात पर जो मतभेद होने हैं उसके चांसेस काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए मैरिज कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, कुछ लाइनें आपको यहाँ पर जो है हॉटलाइन की तरफ यहाँ पर झुकती हुई नज़र आएंगी। देखिए तो हॉटलाइन की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है, तो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम तक रिलेशन चले और उसके बाद जो है मैरिज अपने मर्जी से करवाने के चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जो मैरिज चलेगी, मैरिज होने के एक्चुअल चांस हैं यहाँ पर 30 के अराउंड यहाँ पर बन रहे हैं। और इस हाथ में कुल मिला के रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और लेकिन कैरियर वाइज अगर देखें लाइफ काफ़ी अच्छी है और जो प्रोग्रेसिव रेट है हाथ का काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।